झाबुआ जिले में जनजाति विकास मंच खंड थानला के ग्राम पंचायत जमादा के ग्रामीणों ने मेघनगर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को सामुदायिक वन अधिकारी प्रारूप को पूरा कर 900 से अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर दावा पेश किया है, जिसमें संजय भाबर द्वारा बताया गया कि गांव के पारंपरिक नक्शा व ग्राम सभा में पारित सामुदायिक वन अधिकारी प्रस्ताव सहित अन्य दस्तावेज के साथ SDM को दावा पेश किया गया है। हम गांव के वनों को फिर से हम गांव का वन हमारे अधिकार हम वहां पर व्यक्त कर सकते हैं, हम उनको प्राप्त करते हुए हमारी आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार से हम वहां के गांव का संरक्षण करते हुए गांव का प्रबंधन भी करें, इस प्रकार के जो सामुदायिक वन अधिकार हैं वो आज लेने के लिए ग्राम पंचायत जामदा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ के तड़वी पटेल साहब वगैरह, वहाँ के अन्य जो अनुसांगिक संगठन है या फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई कि किस प्रकार से सामुदायिक वन अधिकार को हम प्राप्त कर सकें और सामुदायिक वन अधिकार को प्राप्त करने के बाद हमारे गांव के लोगों को हम किस प्रकार से रोजगार भी दे सकें। गाँव में इस प्रकार के हम फलदार पौधों को लगाना चालू करेंगे, आने वाले जो हमारी औषधियाँ हैं औषधियों के बारे में गाँव में संरक्षण होगा, हम किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर गांव से जो प्राप्त होती है हमको वन संपदाएँ हैं, वहाँ से लघु उद्योग के मामले में जैसे हम सीताफल के पौधे लगाएं या फिर वहाँ के जो गोंद वगैरह के जो पेड़ होते हैं तो वहाँ से गोंद निकलता है, या फिर जो भी वन से हमको प्राप्त जितने भी संसाधन हैं उसको हम किस प्रकार से गाँव के लोगों को रोजगार देने में हम उसको मददगार बना सकते हैं, ऐसा प्रयास वहाँ के लोगों ने किया। पहले मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने 18 सितम्बर को अपने रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस कार्यक्रम को वन अधिकार जितने भी हैं उसको लेने के लिए उनको देने के लिए भी कार्यक्रम उन्होंने घोषणा की थी, जो कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उसको पूरा किया जाना है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाया था, वो आवेदन सहित सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी गाँव के जो प्रमुख लोग हैं इन लोगों ने आज SDM साहब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उन्होंने अपना दावा पेश किया है। हमारे बाप दादा पहला इस जंगल के बसा के रखे थो, अभी बीच में फिर यो कम हो गयो, ते अभी फिर सब गांव वाला इकट्ठे थे के बिल्ला लगता था, बिना रक्षा करता था, और टिमरू लगता था बिना रक्षा करता, सागवन का झाड़ बहुत बड़ा बड़ा था बिना रक्षा करता है हमारे बाप दादा। अब ऐसो नैसो हमू अभी मीटिंग रखी पूरो गांव वाला इकट्ठा होके जो ही अपन करा SDM साहब अधिकार के लिए हमने दावा पेश किया है, आवेदन SDM साहब को दिया है। ये प्रक्रिया कम से कम हमें 2 साल ही करता है, शुरू करी बैठक है, आम सब गांव वाला ने पहले बुलाया था, आसपास जो गांव है नहीं इनको सबको सूचना है, लेकिन हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा। 2 साल से हमने इनका कार्य जारी रखा और आम सभा ली, बैठक गांव में बुजुर्ग डोकरन सब ने तड़वी और सरपंच और गांव में, तो हमारा यही कहना आज हमारा काम हो जाए तो हमारा आसपास गांव वाले भाई ये भी ये प्रक्रिया शुरू करे तो सबका भला होगा। हमारे गांव का जंगल पहले से कहते डोकरानो जंगल पूरा रोके लो थो, और आज धीरे धीरे वन समिति बनी, ग्राम वन समिति के टिकट है, आज ग्राम वन अधिकार समिति गठित की है, तो इनमें हमारा गांव का अधिकार होना चाहिए और गांव का हमारा पूरा विकास गांव से ही होना चाहिए ताकि हमारा गांव के लोग वहीं पढ़ सके।